My name is Yash Postman and I am from class 10. Today the topic of my presentation is pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड की जो शेप होती है वो पी शेप ग्लैंड होती है और ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। इसकी सेक्रेशन की बात करें तो ये बहुत से हार्मोन्स की सेक्रेशन करता है और काफी सारे हार्मोन्स की सेक्रेशन को कंट्रोल भी करता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अभी हम पढ़ेंगे सेक्रेशन ऑफ इंटीरियर लोब। इंटीरियर लोब बहुत से हार्मोन रिलीज करता है लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज हो रहा हो ग्रोइंग एज के दौरान तो एक बीमारी कॉज होती है जिसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। इससे इंसान की जो हाइट होती है ना वो बहुत छोटी रह जाती है और उसके हैंड एंड फीट भी बहुत छोटे रह जाते हैं। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन एक्सेसिवली अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो उससे एक बीमारी कॉज होती है जिसको कहते हैं जाइरेंटिज्म। इससे इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और ओवरवेट हो जाता है वो। एक्रोमेग्ली, व्हेन अगर सोमैटोट्रोफिन एक्सेसिवली अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए आफ्टर ग्रोइंग एज तो इससे जो बीमारी कॉज होती है उसको कहते हैं एक्रोमेग्ली। इससे इंसान की बॉडी की एक्सट्रीमिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। थैंक यू।